एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आई वी एफ जर्नी पर। मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी और हर बार जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम से जो है इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों की वजह से, मैं नहीं बना पाती, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आप मेरी आइज़ देख सकते हो, ये आँखों के नीचे कितने डार्क सर्कल हो रखे हैं। मैं बिल्कुल भी जो है अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चों को देखना, उन पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, आज जो मेरा ब्लॉग है वो इससे रिलेटेड है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अब मैं डेली जो है ये डालने की कोशिश करूँगी कि क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें किस तरह से रहना चाहिए और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो किस तरह से रहना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको किस तरह से उठना है, बैठना है, चलना है, लेटना है, लेट कर उठना है, क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए और मैंने कौन से काम किए वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। और कोई भी हॉस्पिटल का नेम जानना चाहता है तो वो मुझे मेरी मेल आईडी पर, ये जो आ रही है, इस पर मैसेज कर सकता है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, जो हमारे 14 डेज होते हैं, वो 14 डेज हमें बहुत संभल कर चलने होते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 14 डेज में कुछ भी, जैसे आपको पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बहुत से एक्सपीरियंस से और जिनको ही मैं जानती हूँ उन सब के एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी कि पेन का जो है आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि आपको जो है आपको ट्रांसफ़र जो होगा वो आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ की चिंता मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, आपको अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम टू टाइम लेनी है। कोशिश कीजिए जो मेडिसिन आज आप ले रहे हैं वही मेडिसिन जो है आप नेक्स्ट टाइम भी जब लें तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग लें। तीसरा, आपको क्या सोचना है, आपको क्या करना है, सॉरी, आपको उठना बैठना कैसे है। आपको बिल्कुल आराम से उठना है, बैठना है, ज़्यादा देर नहीं बैठना है, ज़्यादा देर लेटे भी नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा देर लेटे रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा देर लेटे नहीं रहना है आपको। जब बैठना है तो ज़्यादा देर नहीं बैठना है। और बैठते वक्त आपको क्या करना है, देखिए, अब वो से अब बोलेंगे कि नहीं, IVF सॉरी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ये ज़्यादा होता है, नहीं, जब आप बैठते हैं तो आपको चौकड़ी मारकर नहीं बैठना है। मतलब कि जैसे हम चौकड़ी मारकर, आप समझ जाएंगे कैसे, मतलब पैरों को जोड़कर नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, पैरों के नीचे, चाहे आपको ब्लीडिंग है नहीं है, पैरों के नीचे पिल्लो रखिए। पिलो रखने के बाद अपनी दोनों टांगों को लंबा करना है। दोनों टांगों को लंबा करने के बाद उसके नीचे पिलो रखना है। कोई भी तकिया होगा जो थोड़ा ऊंचा हो उसको रखना है टांगों के नीचे। टांगों के नीचे रखने से वह क्या होगा, जो आपका एम्ब्रियो होगा वो ऐसा नहीं होता कि वो बाहर निकल जाएगा, थोड़ा उसको जो है अपनी जगह बनाने की और ऊपर की साइड रहेगा आपका जो है। इस पर डॉक्टर भी बिलीव करते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जब भी बैठे लेग्स को लंबा करके, अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं आप, तो आपको इस तरह से अपनी लेग्स को लंबा करना है और चौकड़ी मारकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है जैसे मैंने आपको दिखाया। अब अपनी आप दोनों लेग्स को लंबा करके, अब मैंने पीछे सहारा नहीं लिया, आप सहारा ले सकते हैं, पीछे की साइड भी एक पिलो रख सकते हैं। एक पिलो अपने लेग्स के नीचे आपको इस तरह से रखना है, एक जो है जैसे मैंने ये कुशन ले लिया, पिलो ले लिया, उसके नीचे वो थोड़ा पिलो ऐसा था, उसका स्टफ थोड़ा नीचे को था, तो फिर मैंने एक कुशन ले लिया। इस तरह से अपनी लेग्स को आपने रखना है, इस पोस्चर में रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ज़रूर डाल दूँगी कैसे बैठना है, लेग्स को लंबा करके और नीचे पिलो रख के। और जब आप लेट रहे हैं तो कोशिश करना है लेफ़्ट या राइट लेटिए, सीधा ज़्यादा मत लेटिए। उससे क्या होता है कि जैसे अब मेरी कंडीशन में था, जैसे ही मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था और ट्रांसफ़र होने के बाद जो है मुझे सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने शुरू हो गई थी। तो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अगर सीधा लेटेंगे तो मैं सीधा बिल्कुल भी नहीं लेट पाती थी। तो अगर आप सीधा लेटेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आपको लेफ़्ट या राइट ही लेटना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा।
तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही अपनी हैबिट चेंज कर लेनी है आपको। तीसरा, जब आप पूजा कर रहे हैं, जैसे घर में पूजा करते हैं, तो जैसे कि मेरा मंदिर है, मैं पूजा करती थी, तो यहाँ पर जो है मैंने एक बहुत बड़ी, यहाँ पे जितनी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना मंदिर की, इससे थोड़ा सा ऊँचा एक चौकी ले रखी थी, ठीक है, उस पर बैठकर ही मैं पूजा करती थी, मैं नीचे ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं करती थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको झुकना नहीं है बिल्कुल, आपको कोई भी चीज़ जैसे नीचे गिर गई है उसको उठाने के लिए झुकना नहीं, क्योंकि झुकेंगे तो आपको पेट पर जोर पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई भी योगा मेडिटेशन वगैरह, मतलब आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, ये सब नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना है। आपको हेल्दी चीज़ ही खानी है, जैसे प्रोटीन की भली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, कोई गर्म चीज़ नहीं खानी है, कोई भी मेडिसिन, जो कोई भी ऐसी चीज़ें जो बाहर से आपको फास्ट फूड वगैरह है वो बिल्कुल नहीं खाना है, कोई भी गर्म चीज़, कोई भी दाल है, कोई सब्जी है, कोई भी आपको लगे कि वो गर्म है वो चीज़ नहीं खानी है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई फ्रूट है जो गर्म है वो भी आपको नहीं खाना है, जैसे कि चीकू है और मैंगो है, वो थोड़ा गर्म होता है। देखिए सबकी बॉडी अपनी अपनी होती है, आप कहीं बोलेंगे कि हमने मैंगो खाया था, वो सबकी बॉडी अपने अकॉर्डिंग होती है। तो मैं देखिए एक बात मैं क्लियर कर सकती हूँ कि ये चीज़ मत खाइए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कौन खाए कौन ना खाए, ये तो मुझे नहीं पता। देखिए सबकी बॉडी अपने अपने अकॉर्डिंग होती है, किसी की बॉडी जो है इस चीज़ को लंबे समय तक लेकर चल जाती है, वो पूरी प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं देती है, लेकिन कईयों की जो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा जो है आपको क्या करना है, लेट कर उठना कैसे है, इससे रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो ब्लॉग शेयर किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जब आपको लेटना है तो आप लेट कर उठेंगे तो अपने पेट के बल नहीं उठना है, किस तरीके से उठना है वो मैंने ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, आप इस जाके चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है इन 14 डेज में। उसके अलावा जो है मैंने क्या काम किया था इन 14 डेज में, मैंने देखिए आटा नहीं गूंदा, रोटी नहीं बनाई, सब्जी नहीं बनाई है मैंने इन 14 डेज में, कि सिर्फ जो है जैसे कि कभी चाय बना ली या कोई सब्जी काट ली, तो ये 2-3 काम है जो किए हैं मैंने। पूजा मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरह से की है, तो इन चीज़ों का मैंने ध्यान किया है। उसके अलावा इन 14 डेज में कोई काम नहीं किया है। और IVF प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, कोई बीटा HCG पॉजिटिव आने के बाद मैंने कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया, कैसे किया, वो मैं अलग से ब्लॉग शेयर करूँगी। तो इन 14 डेज में मैंने जो काम किया मैंने आपको बता दिया है, तो पोछा नहीं लगाया, झाड़ू नहीं लगाया, इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल अवॉइड किया, स्टेयर्स बिल्कुल अवॉइड की, मैं बिल्कुल जो है नीचे रहती थी, मैं बिल्कुल स्टेयर्स नहीं, ऊपर एक बार भी नहीं चढ़ती थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए देखिए बेनिफिट रहेगा। तो आप जो है जितना हो सके जो है अपने, और अगर आपको कोई फ्लू हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई आपको जैसे मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे जो डॉक्टर ने मेडिसिन एलर्जी की लेकर दे रखी थी, तो मेरी डॉक्टर ने वो मुझे लेने से मना किया था। बहुत इमरजेंसी केसेस में मेरे सीवियर जो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती थी तो मुझे लेनी पड़ती थी, वो भी रात के अगर 2 बजते थे तो मैं वेट करती थी सुबह हो और मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ तो मैं मेडिसिन लूँ। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कोई बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, डॉक्टर से पूछे बिना आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं, राधे राधे।